हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सहारनपुर जंक्शन से कानपुर सेंट्रल तक चलने वाली सभी ट्रेनों के बारे में। दोस्तों सहारनपुर जंक्शन से कानपुर सेंट्रल तक तकरीबन 3 ट्रेनें चलती हैं और ये 3 की 3 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलती है। दोस्तों इस रूट पर सबसे फास्ट ट्रेन है उधमपुर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस और सबसे स्लो ट्रेन है जम्मू तवी कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस। दोस्तों पहले नंबर पर जो ट्रेन है जम्मू तवी कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, वैसे दोस्तों ये ट्रेन जो है जम्मू तवी और कानपुर सेंट्रल के बीच में चलती है, लेकिन हम आपको डिटेल बता रहे हैं सहारनपुर जंक्शन और कानपुर सेंट्रल के बीच की। इस ट्रेन का नंबर है 12470। ये ट्रेन जो हफ्ते में 2 दिन चलती है, हर बुधवार और हर शुक्रवार को चलती है सहारनपुर जंक्शन से रात को 1:40 पे प्लेटफार्म नंबर 4 से, और कानपुर सेंट्रल पहुंचती है दोपहर को 12:20 पे प्लेटफार्म नंबर 6 पे। यह ट्रेन जो है 567 किलोमीटर का डिस्टेंस 10:40 में पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर। इसके तकरीबन 7 स्टॉप हैं। यह ट्रेन वाया लक्षर जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, बरेली जंक्शन, बालामाऊ जंक्शन, उन्नाव जंक्शन के रास्ते कानपुर सेंट्रल को पहुँचती है। दोस्तों इस ट्रेन में थर्ड एसी स्लीपर और जर्नल के कोच दिए गए हैं। थर्ड एसी का किराया जो है 920 रुपये, स्लीपर का 350 रुपये और जर्नल का किराया जो है 180 रुपये। दोस्तों ये किराया सहारनपुर जंक्शन और कानपुर सेंट्रल के बीच का है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के कैटरिंग की, तो इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की, तो ये ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव से चलती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो ट्रेन है उधमपुर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 22432। ये ट्रेन जो हफ्ते में 2 दिन चलती है, हर सोमवार और हर वीरवार को चलती है सहारनपुर जंक्शन से रात को 2:42 पे प्लेटफार्म नंबर 4 से, और कानपुर सेंट्रल पहुंचती है दोपहर को 12:10 पे प्लेटफार्म नंबर 6 पे। यह ट्रेन जो है 560 किलोमीटर का डिस्टेंस 9:28 में पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर। इसके तकरीबन 8 स्टॉप हैं। ये ट्रेन वाया मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी जंक्शन, हापुड़ जंक्शन, खुर्जा जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, टुंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन के रास्ते कानपुर सेंट्रल को पहुंचती है। दोस्तों इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जर्नल के कोच दिए गए हैं। सेकंड एसी का किराया जो है 1270 रुपये, थर्ड एसी का 935 रुपये, स्लीपर का 355 रुपये और जर्नल का किराया जो है 175 रुपये। दोस्तों ये किराया सहारनपुर जंक्शन और कानपुर सेंट्रल के बीच का है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के कैटरिंग की, तो इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की, तो ये ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो ट्रेन है अमृतसर कानपुर सेंट्रल वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 22446। ये ट्रेन जो हफ्ते में 1 दिन चलती है, हर मंगलवार को चलती है सहारनपुर जंक्शन से शाम को 6:20 पे प्लेटफार्म नंबर 4 से, और कानपुर सेंट्रल पहुंचती है सुबह 4:50 पे प्लेटफार्म नंबर 3 पे। यह ट्रेन जो है 568 किलोमीटर का डिस्टेंस 10:30 में पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसके तकरीबन 6 स्टॉप हैं। यह ट्रेन वाया रुड़की, लक्षर जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, बरेली जंक्शन, उन्नाव जंक्शन के रास्ते कानपुर सेंट्रल को पहुँचती है। दोस्तों इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जर्नल के कोच दिए गए हैं। सेकंड एसी का किराया जो है 1300 रुपये, थर्ड एसी का 920 रुपये, स्लीपर का 350 रुपये और जर्नल का किराया जो है 180 रुपये। दोस्तों ये किराया सहारनपुर जंक्शन और कानपुर सेंट्रल के बीच का है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के कैटरिंग की, तो इस ट्रेन में आपको ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की, तो ये ट्रेन जो है डीजल लोकोमोटिव से चलती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो ट्रेनें सहारनपुर जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के बीच में चलती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी ट्रेनों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।